हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, अभी ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कपड़े रख कर क्यों बैठी है? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जो आप में से बहुत लोगों को पता होगी या किसी लोगों को पता नहीं होगी। तो मैं आपके साथ वो चीजें आज शेयर कर रही हूँ। जितने भी हाउसवाइफ हैं या जितनी भी लड़कियां हैं, हर एक को कपड़े पहनने का शौक, एक से बढ़कर एक कपड़े पहनने का शौक होता है, और वो भी डिजाइनर। ठीक है, तो आज उससे रिलेटेड मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ बातें शेयर करने वाली हूँ जो कि काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़े थोड़े कपड़ों के यहाँ पे टुकड़े बचे हुए हैं। तो इन्हीं टुकड़ों से जितनी भी डिजाइनर कुर्तियां बनती हैं, यही टुकड़ियां जोड़ जोड़ के बनाई जाती है। ठीक है, तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें बातें बताने वाली हूँ जो काफी आपको हेल्पफुल करेगी। तो देखिए गाइस, टुकड़े बचते कैसे हैं? सबसे पहले मुद्दा ये आता है कि टुकड़े बचते कैसे हैं, आप डिजाइनर कुर्ती कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिसके पास, जो टेलर का काम करता है, राइट, जो टेलर का काम करता है, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ टुकड़े हमेशा बच ही जाते हैं। अब समझ लीजिए 32 की चेस्ट की आप कुर्ता बना रहे हो मेजरमेंट का, और उसमें से काफी कपड़ा बचता है, तो वो उसका जो साइड से बचा हुआ कपड़ा जो रहता है ना, उससे दूसरा कपड़ा जोड़कर एक डिजाइनर कुर्ती बन सकती है। तो वही चीजें हैं यहाँ पर, ऐसे कर करके मेरे पास ये सारे कपड़े इकट्ठे हुए हैं और मैं बनाती रहती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी ऐसा कुछ शेयर करूँ और आपको बताऊँ। और आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है ये सीखने के लिए कि बचे हुए कपड़ों से कैसे कुर्ती बनाई जाती है। तो जैसे लाइक ये देखिए, ये मेरे पास बचा था, अभी इसके ऊपर काम चालू है। तो मेरी एक गुड़िया है, उसके लिए मैं बना रही हूँ, मतलब मेरी बेटी है, उसके लिए मैं बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये बचा था कपड़ा, तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये मैंने ऊपर का जो है बॉडी पार्ट मैंने निकाल लिया है इसका, और ये आगे का हो गया और ये पीछे का हो गया। ठीक है, और ये इससे इसकी स्लीव्स बन जाएंगी। ठीक है, और अगर इसके नीचे मैं कुछ जोड़ना चाहूँ घेर के लिए, तो समझ लीजिए ये पिंक कलर का कपड़ा जो है हम नीचे घेरे में लगा सकते हैं, या गोल्डन कलर का बना सकते हैं, मतलब इस तरीके से जोड़ के एक बहुत सुंदर सी फ्रॉक बन जाएगी। तो ये तो बच्चों का बन गया छोटे कपड़ों से, अब बड़ों का कैसे बनाना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने खुद के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, और ये देखिए, ये एक मैं लॉन्ग गाउन बना रही हूँ। आपको इस टाइप की अगर कुछ सीखना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। जरूरी नहीं है कि बचे हुए कपड़े, आप मार्केट से कपड़े लाकर भी किसमें कितना मीटर कपड़ा लगेगा वो भी मैं आपको एक आइडिया दे दूंगी। सपोज करिए, ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने बॉडी जो बनाई है ये ब्लैक कलर में बनाई है, अंदर ये मैंने लिया है ये रेड कलर का लिया है, और ये ऊपर से ये दो कलर के अलग कपड़े। तो मेरे पास ये कपड़ा बचा था, तो ये दो टुकड़े के हिसाब से मैं ये रेड कलर का कपड़ा लेकर आई, और ये ब्लैक कलर का कपड़ा मेरे पास तो अवेलेबल था ही, तो वो मैंने मिक्स एंड मैच करके एक सुंदर सा ये गाउन क्रिएट किया है। अगर आपको इस टाइप का कुछ बनाना है, सीखना है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। तो चलिए, तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे अभी पिक्चर्स देख लीजिए, मैं डिजाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, में डिजाइन देखिए, और आपको जो डिजाइन पसंद आती है आप मुझे कमेंट करके बताइए। सब डिजाइन्स पर मैं नंबर जरूर डाल दूंगी कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, आपको उनमें से जो भी नंबर आपको पसंद आया, मैं उस नंबर को ध्यान में रखते हुए उस टाइप का ड्रेस आपको जरूर सिखाऊंगी। तो गाइज, ये था आज का वीडियो, तो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत सारे डिजाइन्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ इसी तरीके के वीडियो लेकर, थोड़ा कुकिंग शुकिंग लेकर, मेरी लाइफ
आपके जो मोमेंट है छोटे मोटे ब्लॉग लेकर, मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए।